हाय डियर स्टूडेंट, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बच्चों? आयोनिक बॉन्ड के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था डिटेल। मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बॉन्ड में, इधर से उधर आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से आपका आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हमने थोड़ा बहुत जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। नाउ अब उसमें हम थोड़ा सा हाई लेवल पे देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे बच्चे एक एक करके। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग हमारा होता क्या है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब मैंने आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट किसके अकॉर्डिंग बताया था बच्चों? एनर्जी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बताया था? एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एनर्जी के अकॉर्डिंग किस तरीके से होता है। यहां पर मैं लिखूंगा एनर्जी कर्व, ये मेरा पास एनर्जी लाइन है और ये मेरे पास डिस्टेंस, ये मेरे पास आर डिस्टेंस। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था NaCl, ठीक है। हम फॉर्मेशन ऑफ NaCl को देख लेते हैं यहां पर एज एग्जांपल। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl के फॉर्मेशन को देखते हैं ध्यान से। देखो सबसे पहले आइसोलेटेड स्टेट में Na अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो Na प्लस में कन्वर्ट होगा, बात क्लियर है। Cl इसका एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये आपका Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। तो शुरुआत में ध्यान से समझना यहां पर कि Na के पास, यहां पर Na मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, ये मेरे पास, ये ध्यान से, ये मेरे पास Na बना दिया बच्चों, मैंने Na बना देता हूं अच्छे से। तो Na का मैं बना देता हूं एटम, ठीक है, यहां पर ये इस तरीके से मैंने बना दिया Na। देखो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन 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 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन ये मेरे पास, हाँ, Na प्लस का मैंने बना दिया स्ट्रक्चर। नाउ मैं बना देता हूँ बच्चों Cl माइनस। तो Cl माइनस का स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा बच्चों? ये मेरे पास Cl माइनस का 1 2 3, दो मिनट बच्चों देख लेते हैं ध्यान से। Cl माइनस 1 2 3, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक है, बात क्लियर है। अब मैंने Cl माइनस बना दिया। अब आपको एनालिसिस करना है कि क्या खेल है एक्चुअली में। यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 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 और ये इलेक्ट्रॉन 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 और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब देखो ध्यान से समझेंगे कि यहां पर शुरुआत में क्या होगा कि इसके पास चार्ज है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है। जहां पर आपके दो टाइप के फोर्स एक्ट करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स एक्टिंग इन NaCl फॉर्मेशन। NaCl फॉर्मेशन में दो टाइप के फोर्स आपके एक्ट करेंगे। अब देखते हैं बच्चों कौन कौन से करेंगे। देखो एक तो आपका करेगा यहां पर पहला फोर्स ऑफ Na प्लस आयन, फोर्स ऑफ Na प्लस यहां पर न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन का, यहां पर फोर्स ऑफ Na प्लस आयन और आपका फोर्स ऑफ Cl माइनस, ये वाला फोर्स आपका एक्ट करेगा, ठीक है, जो कि आपका कौन से किस टाइप का होगा बच्चों? अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, फोर्स बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस। सेकंड आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पर भी आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहां पर भी आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपल करेंगे ना, तो यहां पर फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ Na और फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ Na एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl, तो यहां पर भी किस टाइप का फोर्स हो जाएगा बच्चों? रिपल्सिव फोर्स आपका हो जाएगा, बात क्लियर है। दो टाइप के फोर्स मैंने बता दिए। अब हम इसको समझते हैं कि क्या लगाएंगे, हमको एनर्जी से रिलेटेड है। अब जो अट्रैक्शन फोर्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों? अट्रैक्शन फोर्स होगा तो एनर्जी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। अट्रैक्शन फोर्स होगा तो क्या होगी बच्चों? एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए एक बार में ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
और यहां पर अगर मैंने यहां पर रिपल्सिव फोर्स होगा तो एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से मैंने दो टाइप के फोर्स बता दिए। आप देखो बच्चों, जैसे ही मैं क्या करूंगा, जब मेरा डिस्टेंस कम होगा धीरे धीरे डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू उसकी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी की आपकी की क्या बढ़ेगी बेटा, नेगेटिव वैल्यू। मैंने आपको बताया था ना, फोर्स अट्रैक्शन फोर्स में मतलब नेगेटिव वैल्यू आपकी बढ़ती है। कौन सी वैल्यू बढ़ती है, नेगेटिव, और रिपल्सिव में आपकी पॉजिटिव वैल्यू, मैंने अभी बताया था आपको पहले लेक्चर में। तो उस हिसाब से यहां पर आपका बढ़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चों, यहां से आपका एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपका यहां से आपका कौन सा फोर्स एक्ट करना स्टार्ट आपका हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका देखो, ध्यान से मैं बना देता हूं अच्छे से, ठीक है। आपका यहां पर कौन सा फोर्स एक्ट करना स्टार्ट होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्ट करना स्टार्ट होगा। देखो यहां पर जो सबसे मैक्सिमम जो एनर्जी आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी का मैक्सिमम एनर्जी का मैग्नीट्यूड वो यहां होगा। अब देखो इतने डिस्टेंस पे, मतलब इस डिस्टेंस पे देखो, ये जो आपका डिस्टेंस होगा वो होगा बॉन्ड लेंथ। क्या होगा बच्चों, बॉन्ड लेंथ, मतलब इस डिस्टेंस पे आपकी मैक्सिमम एनर्जी है, और एनर्जी की वैल्यू कहाँ है बच्चों, नेगेटिव में। तो नेगेटिव एनर्जी की वैल्यू है तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी सबसे कम है इस स्टेट में। इसका मतलब यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका बॉन्ड एनर्जी, ये आपका क्या हो जाएगा एक्चुअली में, बॉन्ड एनर्जी। अब हम बात करते हैं बच्चों ऐसा क्यों हुआ, जैसे जैसे मैंने डिस्टेंस कम करता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कम करता जा रहा हूं तो एक सर्टेन पॉइंट पे आपकी एनर्जी सबसे कम हो गई। फिर और मैंने डिस्टेंस कम किया तो वहां पर आपका कौन सा फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन फोर्स आपका एक्ट करना स्टार्ट हो गया। तो ध्यान से समझना, जो आपके नीचे वाला पॉइंट होगा जहां पर आपके वो एनर्जी मिनिमम होगी, मतलब जहां पर ये आपका कौन सा पॉइंट मिल गया बच्चों, मिनिमा, ठीक है, मिनिमा पॉइंट मिल गया। अब यहां पर आपका एनर्जी यहां पर कम होगी, जहां पर आपके पोटेंशियल एनर्जी आपके नेगेटिव होगी वहां पर आपका क्या होगा बच्चों, उसको हम बोलेंगे अनबाउंडेड रीजन। तो ये हमारा कौन सा, ये वाला जो रीजन होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा बच्चों, अनबाउंडेड। लेकिन जो आपका ये वाला जो रीजन होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, ये वाला रीजन आपका बाउंडेड रीजन होगा, सॉरी, ये आपका बाउंडेड होगा, ये आपका अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड रीजन। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये आपका अनबाउंडेड होगा और ये आपका बाउंडेड रीजन होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो क्यों हो रहा है ऐसा, ध्यान से समझेंगे। ये मैंने ए बना दिया, ये मैंने बी बना दिया, ये मैंने यहां पर सी पॉइंट और ये मैंने डी पॉइंट। अब देखो अगर यहां पर जो आपका NaCl के पास जो अट्रैक्टिव फोर्स आपके किस किस के बीच लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स आपके Na प्लस और Cl माइनस आयन के बीच, और अट्रैक्टिव फोर्स आपके कौन कौन से रीजन में लग रहा है, बी टू डी में आपका अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्या बी टू डी में आपका अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। लेकिन ए टू बी में आपका कौन सा फोर्स आपका प्रीडोमिनेट हो गया, तो यहां पर हम बोल सकते हैं ए टू बी में आपका फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ Na एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl आपका प्रीडोमिनेट हो गया, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम किसी भी आयन्स को, मतलब किसी भी आयोनिक बॉन्ड में किसी भी दो एटम को हम ज्यादा क्लोज नहीं ला सकते। ज्यादा क्लोज अगर लाएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स भी बिहेव एक्ट करने लग जाएगा। अब रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा तो एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी प्रोपोजिटिव मैग्नीट्यूड में, तो यह आपका लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जहां पर आपके बॉन्ड फॉर्मेशन, अब देखो बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन आपका कौन सा हो गया, ए बी। अनबाउंडेड रीजन का मतलब है फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ Na एंड फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl, ये आपका ज्यादा हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड आपका ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये आपका ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट, फोर्स बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस, इन दोनों के फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। और ये वाला रीजन आपका कौन सा होगा, ए बी, ठीक है। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल, अगर मैं बाउंडेड रीजन की बात करूंगा तो बाउंडेड रीजन में आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझ लेते हैं। बाउंडेड रीजन में आपका देखो यहां पर बी डी होगा, बी डी पॉइंट पर आपका बाउंडेड रीजन होगा यहां से यहां तक, और बाउंडेड रीजन में आपका क्या होगा बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, इसीलिए आपका पोटेंशियल एनर्जी कहां जा रही है, नेगेटिव में।
पोटेंशियल एनर्जी आपकी कहाँ जा रही है बच्चों, नेगेटिव में। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर आपके नेगेटिव में जा रही है बाउंड्री तो बीडी में तो एट्रैक्टिव फोर्स है, एट्रैक्टिव फोर्स होगा तो एट्रैक्टिव फोर्स आपका फोर्स बिटवीन, यहां पर क्या होगा, फोर्स बिटवीन एन ए प्लस एंड सी एल माइनस इज ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ए और फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ सी एल, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ठीक है, इस ये तो था हमारा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम एनर्जी के हिसाब से हम किस तरीके से आयोनिक बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड में ये वाली जो लेंथ होती है वो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। ये वाली एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी। ये वाला रीजन क्या होता है, अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन अगर होगा तो वहां पर बॉन्ड बनने का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है बच्चों आप लोगों को कि मैंने NaCl और Cl- जो मैंने पहला रूल बताया था वो मैंने कौन से कंसेप्ट पे बताया था बच्चों, ओल्ड कंसेप्ट पे। वो मैंने पहले कौन से कंसेप्ट पे बताया था, ओल्ड कंसेप्ट पे। अब ये जो आपका नया कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, तो उसके ऊपर डिपेंड है, जो कि पूरा कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, एनर्जी के ऊपर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था दो चार्ज अगर आपके सिमिलर होंगे तो फोर्स आपका कैसा लगेगा बच्चों, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी। देखो तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है। अगर आपका डिसिमिलर चार्ज होगा तो आपका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स वैल्यू आपकी कम होगी, इसका मतलब एनर्जी आपके नेगेटिव वैल्यू में बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम यहां पर आयोनिक बॉन्ड को समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड को हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं यहां पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक बॉन्ड, तो देख लेते हैं एक एक करके ध्यान से, काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से समझना बच्चों। जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। किस किस के बीच बनेगा बच्चों आयोनिक बॉन्ड आपका, मेटल एंड नॉन मेटल। क्यों बच्चों, क्यों ऐसा रीजन है, क्योंकि यहां पर क्या होता है एक्चुअली में, ध्यान से समझना, यहां पर आपका होता है बच्चों आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग नहीं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये होगा, सो वन एलिमेंट या फिर हम बोल सकते हैं वन एटम बोलो बच्चों, वन एटम जी ज्यादा करेक्ट है, वन एटम will donate electron and another atom will accept electron, मतलब एक एटम आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और एक एटम आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसी तरीके से ट्रांसफर होगा, किसी चीज को मुझे ट्रांसफर करना है तो यहां से उठा के वहां दे देना पड़ता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो एटम विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी यहां पर एटम की जगह लिखो मेटल हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन
ठीक है, मेटल के पास तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, एंड नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी एंड नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई अब आपका आयनिक बॉन्ड इसीलिए आपका मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया बाय डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, तो ये तो इसके ऊपर क्या जाएगा, मेटल के ऊपर आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे एक एक करके बताना बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, और हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या चाहिए बच्चों, सबसे कम, जितना कम आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उतना अच्छा आपका, उतना जल्दी से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बच्चों, कम होनी चाहिए, मतलब आपका रिक्वायर्ड एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपकी कम होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहां पर नॉन मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, नॉन मेटल के ऊपर यहां पर आ जाएगा माइनस एन ई, तो इसका मतलब इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, यह आपका रिलीज, यहां से आपका एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीजिंग एनर्जी होती है बच्चों ये आपकी। अब रिलीजिंग एनर्जी बच्चों यहां पर मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहां पर मैग्नीट्यूड नेगेटिव मैग्नीट्यूड होता है, जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा मतलब एनर्जी रिलीज जितना ज्यादा होगा उतना आपके मॉलिक्यूल से एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, जितना ज्यादा एनर्जी आपके रिलीज होगा उतना मॉलिक्यूल से एनर्जी आपका कम हो जाएगा, इसका मतलब रिलीजिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी या फिर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी वो आपका नॉन मेटल उतना ही जल्दी से नॉन मेटल के ऊपर चार्ज आएगा। ठीक है, नॉन मेटल के ऊपर चार्ज उतना ही जल्दी से आएगा, ध्यान से समझना बच्चों, अगर नॉन मेटल में अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो नॉन मेटल के ऊपर माइनस एन ई। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअली में आपकी रिलीजिंग एनर्जी होती है, रिलीजिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका क्या होगा, जल्दी से इसमें ट्रांसफर होगा, फास्ट ट्रांसफर कौन करेगा, जितनी जल्दी उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। और मेटल आपका क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके मेटल एन प्लस बनाएगा, एन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो एन बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से बना देगा, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी, ध्यान से समझना, रिलीजिंग एनर्जी हमेशा हमारी ज्यादा होनी चाहिए और रिक्वायर्ड एनर्जी हमेशा हमारी क्या होनी चाहिए बच्चों, कम। तो आपने डेफिनेशन में देखा होगा बच्चों, मैंने अच्छे से बताया था, तो डेफिनेशन में ये आपकी रिलीजिंग एनर्जी होती है, ये आपकी रिक्वायर्ड। तो हमेशा बॉन्डिंग में जब भी रिक्वायर्ड एनर्जी हो वो कम होनी चाहिए, रिलीजिंग एनर्जी आपको ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका बॉन्ड फॉर्मेशन उतना इजिली होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मुझे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो हम बोल सकते हैं द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड के लिए आपका फेवरेबल कंडीशन क्या होगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी ज्यादा होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आयोनाइजेशन एनर्जी के आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और क्योंकि ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना,
एनर्जी आपके कौन से टर्म में आती है बच्चों? यहाँ पर पॉजिटिव के टर्म में, और मैंने आपको बताया था पॉजिटिव के टर्म में मतलब रिपल्सिव एनर्जी, तो इसलिए कम होनी चाहिए। और आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों? ज्यादा। तो फेवरेबल कंडीशन भी आपको पता पड़ गया। तो इस तरीके से फेवरेबल कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों? ज्यादा होनी चाहिए। और आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों? कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं कि इन इन आयोनिक सॉलिड, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, इन आयोनिक सॉलिड ये सब आपने पढ़ा होगा। अब जो पॉइंट है वो सब आपने पढ़ा होगा। इन आयोनिक सॉलिड कैटायन एंड एनायंस आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर इन 3D ज्योमेट्री। ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल लैटाइस, ये आपका क्रिस्टल लैटाइस के फॉर्म में आपका अरेंज होगा। ध्यान से समझ लेना बच्चों यहाँ पर कि आपका जो कैटायन और एनायन होगा वो आपका रेगुलर मैनर में अरेंज होगा, उसको हम क्रिस्टल लैटाइस बोलेंगे। सो अब देखो, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सो दैट्स व्हाई आयोनिक सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। So that's why ionic solid is called crystalline solid। इसीलिए हम ionic solid को क्या बोलते हैं बच्चों? crystalline solids बोलते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ध्यान से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा सेकेंड पॉइंट। क्रिस्टल फॉर्म में कैसे, आपने पढ़ा होगा कि NaCl आपका इस तरीके से अरेंज होता है। NaCl यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर आपका Cl माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका Na प्लस यहाँ पर आपका Cl माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका Cl माइनस, यहाँ पर आपका Cl माइनस, यहाँ पर आपका Na प्लस। इस तरीके से आपका रेगुलर मैनर में आपका अरेंज होता है बच्चों। यहाँ पर आपका क्या जाएगा? Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर आपका अरेंज होगा। देखो तो थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, बाकी आप देख सकते हो, समझ सकते हो इसको अच्छे से। 10th क्लास में आपने स्ट्रक्चर ही याद किया होगा। ये Na प्लस, ये Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस, ये आपका इस तरीके से ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये मैंने छोटा सा पॉइंट बना दिया इसका, तो इस तरीके से यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस। इस तरीके से यह आपका एक लेयर के फॉर्म में अरेंज होता होता पूरा आपका फॉर्म हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है? क्रिस्टल। यह आपका इस तरीके से क्या फॉर्म करता है बच्चों? क्रिस्टल लैटाइस। ये पूरा का पूरा आपका क्या फॉर्म करेगा? क्रिस्टल लैटाइस। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ोगे बच्चों सॉलिड स्टेट नाम के चैप्टर में। सॉलिड स्टेट में आप पूरा स्ट्रक्चर पढ़ोगे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अगर इसमें किसी को डाउट आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में उसको बता दूंगा। ठीक है, अब हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करने वाली बात है कि आयोनिक सॉलिड, थर्ड पॉइंट, आयोनिक सॉलिड है हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसका रीजन क्या होगा? ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होने की वजह से आयोनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा होता है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, मतलब इसका मतलब हम एक और टर्म से बोल सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इसका मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी आप लोगों को बढ़ाना है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज आपको बॉइलिंग पॉइंट दोनों को आपको बढ़ाना है। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना इसको, ये मैं आगे फिर से बताऊंगा, लेकिन आप अभी भी थोड़ा सा ध्यान रख लो इसको, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हो। और आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों यहाँ पर नंबर फोर, मैं आपको बताता हूँ। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों पॉइंट नंबर फोर, तो पॉइंट नंबर फोर हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। पॉइंट नंबर फोर हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, देखो यहाँ पर तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आयोनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर। आयोनिक सॉलिड आपके नेचर में कैसा होता है बच्चों, ब्रिटल होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अब हम समझेंगे, आयोनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल इन नेचर, ये तो मैंने बता दिया, सिंपल बात है। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चों, देखते हैं ध्यान से। तो आयोनिक सॉलिड्स, अब समझना है बच्चों, इन सॉलिड फॉर्म इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा बच्चों, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर होगा, ठीक है। बट इन मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस स्टेट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मुद्दे की बात अब ध्यान से समझना, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, लेकिन मैं आपको अभी समझाता हूं। देखो क्या होता है सॉलिड फॉर्म में, ये आपके कौन से फॉर्म में होते हैं बच्चों, सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब आयोनिक सॉलिड अगर आपके सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये आपका कौन से फॉर्म में होगा बच्चों, आपके क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में होगा। और क्रिस्टल फॉर्म में होने की वजह से इसके अंदर कोई किसी भी टाइप के फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, मतलब फ्री आयंस आपके एब्सेंट होंगे। लेकिन मोल्टेन स्टेट में क्या होगा, ये अपने क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होगा, इट इज नॉट इन क्रिस्टल फॉर्म। एंड यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, नाउ हियर फ्री आयंस आर प्रेजेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब फ्री आयन इसके अंदर प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हम यहां पर आयोनिक सॉलिड का प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, आयोनिक सॉलिड के ये कुछ प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो आयोनिक सॉलिड के बारे में मैं आपको बताता हूँ जनरली, अब मैं जहां जहां जनरली बोल रहा हूँ, जनरली वर्ड का मतलब समझो वो ऐसे होता है, लेकिन उसके अंदर एक्सेप्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको समझना ध्यान से कि जनरली आयोनिक सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O, ठीक है। H2O में ये आपका डिजोल्व हो सकता है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर अगर आपका चार्ज होगा वो आपका पोलर सॉल्वेंट होगा, सिंपल। अगर देखो NaCl आपका Na प्लस OCl माइनस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू आयंस, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू आयंस मतलब Na प्लस और Cl माइनस है, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, जब उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा। बट इसमें भी हम कुछ सर्टेन एक्सेप्शन बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन है।
जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी के टर्म में, ठीक है। तो इसको समझते हैं एक्सेप्शन, हम एक्सेप्शन हाइड्रेशन एंड एनर्जी, और इस एक्सेप्शन को हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि आपके फिजिकल का चैप्टर है उसमें हम इसको पढ़ने जाएंगे, ठीक है। वैसे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देख लेते कौन कौन से है। एक आपका AgCl, AgCl एक्सेप्शन है। एक आपका यहाँ पर CaCO3, CaCO3, और एक आपका PbI2। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये कुछ सर्टेन एग्जाम्पल है, ये इसमें एग्जाम इसमें एक्सेप्शन हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला, जनरली आयोनिक सॉल्यूट्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O, मतलब आयोनिक सॉल्यूट आपका पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होता है, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर कि कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोवेलेंट कंपाउंड को समझते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट कंपाउंड को एक एक करके ध्यान से तो देख लेते हैं बच्चों। यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग या फिर कोवेलेंट कंपाउंड। अब देखो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा। इस टाइप का बॉन्ड आपका म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, मतलब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों, शेयर होंगे, ठीक है। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड आपका मेटल और नॉन मेटल के, सॉरी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। तो मैंने आपको क्या बोला बच्चों, यहाँ पर जनरली कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, जनरली बोला बच्चों, ठीक है। जनरली अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा, जनरली बोला है ना, मतलब इसके बारे में कुछ ना कुछ लॉजिकल पॉइंट होगा ना, तो इसीलिए, ठीक है। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड जनरली आपका कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच बनेगा, ठीक है बच्चों। तो देख लेते एक एग्जांपल किस तरीके से शेयरिंग होती है। अब जनरली वर्ड का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब अभी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आप समझ लेना, आगे आप उसको लिंक करना चैप्टर को, ठीक है। देखो यहां पर देखो 100% कोवेलेंट बॉन्ड और 100% आयोनिक बॉन्ड, 100% कोवेलेंट बॉन्ड एंड 100% आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। बोथ आर आइडियल कंडीशन मतलब आइडियल कंडीशन बोल सकते हैं हम इसको, ये आपका एक तरीके का आइडियल कंडीशन है, ये आपका नहीं हो सकता है 100% कोई भी बॉन्ड आपका कोवेलेंट नहीं हो सकता है, 100% कोई भी बॉन्ड आपका आयोनिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी बॉन्डिंग में कुछ सर्टेन टाइप के कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, कुछ सर्टेन टाइप के वो आयोनिक बॉन्डिंग होगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अब इसको आगे लिंक करना, ये आपका आइडियल कंडीशन है, विच इज नॉट पॉसिबल जो कि आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है ये हम आगे पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फजान रूल, और मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था आयोनिक कैरेक्टर, और वो आयोनिक कैरेक्टर एज वेल एज आपको मैंने पढ़ाया था यहाँ पर वो आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, कुछ कौन सा वाला बताया था, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 इनटू एक्स काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 इनटू काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था। तो वहां पर कोई भी बॉन्ड का 100% आयोनिक कैरेक्टर नहीं होता है बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। बस मैंने लिंक करना बता दिया कि चैप्टर को हमको कहां लिंक करना है, अब आपको मिलेगा तो वहां लिंक कर देना इसको, इस लाइन को, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन म्यूचुअल शेयरिंग। तो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इसका, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों में, यहां पर
एग्जाम्पल मैंने लिया जैसे H2O, ठीक है, H2O देखो कैसे होगी शेयरिंग। H2O के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, H2O के ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लोगों को वैलेंस शेल के बारे में मैंने बताया था। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक बार आप समझो वैलेंस शेल में कितने होते हैं, देखो 1s2 2s2 2p6 2p4 सॉरी, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल बोलेंगे। अब यहां पर वैलेंस शेल क्या होगा, ये वाला होगा, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, बात क्लियर है। तो देखो दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहां बना दिए, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां बना दिया, ठीक है, अब बात समझ में आई। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s1 मतलब बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल इक्वल टू 1। अब बात समझना, मैंने आपको जो मॉडर्न कंसेप्ट छोड़ो, मैंने आपको जो आपका 19th स्टैंडर्ड लेवल का मैंने आपको बताया था कि हर किसी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अटेन करने के लिए इसको अपने वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, या तो 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, या तो 18 करने पड़ेंगे, इस तरीके से इसको वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन को करना पड़ता है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन अगर इसके वैलेंस शेल में है, देन कंडीशन इज फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड कंडीशन, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है बच्चों ये। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन मैंने यहां बनाया, देखो यहां मैंने हाइड्रोजन बनाया, ब्लैक मार्कर से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए, ये हाइड्रोजन मैंने बनाया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये मैंने हाइड्रोजन बनाया, ये मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। नाउ आप देखो बच्चों, ये क्या करेगा, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा, ये यहां से इसका एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा, और ये ऑक्सीजन इसके दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा। अब काउंट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब कंडीशन क्या हो गई बच्चों, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। यहां पर ये जो कंडीशन थी वो पूरी पूरी सेटिस्फाइड। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हम कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो सेटिस्फाइड। नाउ अगेन आपका कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, ये कंडीशन अगर आपका क्या हो गया, फिर से सेटिस्फाइड, ये कंडीशन भी आपका सेटिस्फाइड हो गया। तो इस तरीके से यहां पर आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। देखो एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहां पर एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ CH4, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ CH4, उसको ध्यान से समझेंगे बच्चों, अगर आप लोगों ने जो जो मैंने पढ़ाया उसको ध्यान से समझते जाओगे तो हाँ, और चैप्टर को लिंक करते जाना, ठीक है, मैं आपको लिंक भी करवाऊंगा, आप मैंने चैप्टर को लिंक करते जाना, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ CH4 का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अब देखो कार्बन मैंने बना दिया, कार्बन के आउटर मोस्ट 1s2 2s2 2p2, देखो आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंशियल, और वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, लेकिन अगर मेरे पास वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेरा जो ओल्ड कंसेप्ट क्या बोलता है कि इसको अपने वैलेंशियल को फुलफिल करना पड़ता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपको फुलफिल होने चाहिए, या फिर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेना चाहिए। तो यहां पर ध्यान से समझेंगे, तो यहां पर आपका 288 वाला कंसेप्ट आपका चलना चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा 28, यहां पर इसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को पार्टनरशिप करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को। तो देख लेते हैं बच्चों, यहां पर कार्बन के वैलेंस शेल में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए, देख ध्यान से समझना, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1s1 मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, तो हाइड्रोजन को मैंने यहां पर क्या कर दिया, देखो हाइड्रोजन, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब आप देख सकते हो कि अगर देखो यहां पर हाइड्रोजन अगर इसके साथ शेयरिंग करेगा, देखो
इसके साथ शेयरिंग करेगा तो हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड, दो इलेक्ट्रॉन आ गए हाइड्रोजन में, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पर भी हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पर भी हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पर भी हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके चारों इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग की है। अब यहां पर देखो कार्बन में यहां से इस तरीके से शेयरिंग की है। अब देखो कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ कार्बन की भी कंडीशन सेटिस्फाई, 8 इसको वैलेंस शेल में करने होते हैं तो इसने अपने 8 कर लिए, तो इस तरीके से आपको CH4 का फॉर्मेशन होता है। नाउ हम देखते हैं O2 का फॉर्मेशन, O2 का फॉर्मेशन ऑफ O2 ऑक्सीजन का, ठीक है तो देख लेते हैं। तो यहां पर देखो अगर दो बॉन्ड बनके हमेशा एक बॉन्ड बनाते, दो दो इलेक्ट्रॉन मिलके हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड, तो इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है कुछ स्ट्रक्चर आपका इसका ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा अब इसी स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान से समझो, अपने आप आ जाएगा। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2, O2 का फॉर्मेशन हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p4, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, यहां पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस शेल में होते हैं, तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। देखो इसका ब्लैक मार्कर से बनाएंगे ऑक्सीजन, और इसका देखो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए वो ऑक्सीजन पे। अब अगले वाला जो ऑक्सीजन होगा वो भी तो ऑक्सीजन ही है, उसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बना देता हूं 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये क्या करेगा बच्चों, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसके साथ पार्टनरशिप कर लेगा, और ये भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर लेगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपके पार्टनरशिप में आए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टनरशिप इन शेयरिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेयरिंग, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन शेयरिंग बच्चों, यहां पर टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेयरिंग, शेयरिंग में आपके 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो यहां पर इसका अगर इसका जनरल स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो आप इसको काउंट भी कर सकते हो, ऑक्सीजन में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, शेयरिंग का मतलब जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये ले लेगा, जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये ले लेगा, मतलब दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी करेंगे, दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी करेंगे। तो यहां पर ये देखो यहां पर कितनी शेयरिंग में, 4 शेयरिंग बनेंगे, तो 4 शेयरिंग की वजह से 2 बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड आपके 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड आपके, ध्यान से समझना, एक बॉन्ड आपके 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे बच्चों, 2 बॉन्ड, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। बात क्लियर है, तो काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अब यही ये तो था हमारा कि ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से, अभी जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसका क्या अप्रोच है उसको समझते ध्यान से। तो मॉडर्न अप्रोच ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, मॉडर्न अप्रोच ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो देख लेते एक एक करके ध्यान से। तो अकॉर्डिंग टू यहां पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ या फिर न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो हम किसके बेसिस पे होता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपके एनर्जी से बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन एनर्जी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपके किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर फिर से लाइन बना रहा हूँ, आप फिर से समझना, जिसको आयोनिक बॉन्ड का समझ में नहीं आया उसको ये वाला समझ में आ जाएगा, अगर ये वाला समझ लिया तो आयोनिक बॉन्ड का भी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यहां पर आपके कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर आपका आर डिस्टेंस। अब देखो क्या होगा बच्चों, जनरली यहां पर 3 टाइप के फोर्स आपके एक्ट करेंगे, ठीक है, हियर 3 टाइप्स ऑफ फोर्स विल बी एक्ट three types of force will be act। अब देखो कितने टाइप के फोर्स आपके एक्ट करेंगे, 3 टाइप के। अब कैसे बोल सकते हैं, तो देखो ये कोई एटम है उसका न्यूक्लियाई, और यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा,
ठीक है, यहां पर भी एनयू है, यहां पर भी आपका इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझना बच्चों, तीन टाइप के फोर्स किस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। एक तो आपका क्या होगा बच्चों, एक फोर्स आपका क्या होगा यहां पर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स। तो फर्स्ट आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका क्या होगा बच्चों, रिपल्सिव फोर्स होगा। और रिपल्सिव फोर्स होगा तो इसका मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी आपके कौन से साइन में आएगा, पॉजिटिव साइन में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी। ले देखिए, पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी क्या होगी बच्चों, यहां पर इंक्रीज होगी, एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी। और रिपल्शन का मतलब आपका क्या होता है बच्चों, अनस्टेबिलिटी की ओर मूव करेगा। पॉजिटिव साइन होगा तो अनस्टेबिलिटी की ओर मूव करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक फोर्स आपके किस किस के बीच लगेगा बच्चों, एक फोर्स तो आपका ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। एक फोर्स आपके न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई के बीच लगेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई के बीच भी आपका कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियाई, ये भी आपका कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। और रिपल्सिव फोर्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपके पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ रहेगा, मतलब एनर्जी आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और एनर्जी अगर आपकी इंक्रीज कर जाएगी तो स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। ये तो मैंने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में बताया था, और इसीलिए बताया था ताकि आप लोगों को अब समझ में आने लग जाए। अब थर्ड जो है, थर्ड जो पॉइंट है बच्चों, फोर्स के अकॉर्डिंग कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप लोग अभी से ध्यान दो। थर्ड पॉइंट की क्या होगा, इसका न्यूक्लियाई या तो इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, और इसका न्यूक्लियाई इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। तो क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन फोर्स, जो कि आपका किस टाइप का होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो कि आपका कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। और इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आपके नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ रहेगी, मैंने आपको बताया था नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ रहेगी। तो इसका मतलब एनर्जी आपका क्या होगा बच्चों, एनर्जी आपका डिक्रीज होगा, एनर्जी आपका डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी आपकी एनहांस होगी, स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं कि कितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं। अब मॉडर्न कंसेप्ट को समझते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है बच्चों, आर लिख देता हूं, शुरुआत में क्या होता है बच्चों, यहां पर जैसे जैसे मैं दो आइसोलेटेड एटम को पास लाता हूं, जैसे जैसे मैं दो आइसोलेटेड एटम को पास लाता हूं, देखो ध्यान से, जैसे जैसे मैं दो आइसोलेटेड एटम को पास लाता हूं, वैसे वैसे क्या होता है बच्चों, यहां पर शुरुआत में एनर्जी आपकी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। और इसी डिक्रीज जो एनर्जी होगी उसका जो मिनिमा पाथ होगा, ये वाला कौन सा मिनिमा, ये जो आपका मिनिमा पाथ होगा, यहां से यहां तक जो एनर्जी होगी वो आपके बॉन्ड एनर्जी होगी, ठीक है। और इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड रीजन, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड रीजन। और बाउंडेड रीजन में क्या होगा बच्चों, इसको मैं लिख देता हूं ए बी सी डी, ठीक है। बाउंडेड रीजन का मतलब क्या होगा बच्चों, आपका बाउंडेड रीजन में आपका यहां पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब रिपल्सिव फोर्स आपका लेस होगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर आपका बॉन्डिंग होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। तो यहां पर सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्लस फोर्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियाई, ये दोनों रिपल्सिव है, दोनों के मैग्नीट्यूड से आपका ज्यादा होता है बच्चों इसका। नाउ दोनों की वैल्यू को सम करेंगे तो इसका ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर मैंने ये वाला रीजन आपका क्या होता है, अनबाउंडेड रीजन, ये वाला रीजन आपका क्या होता है, अनबाउंडेड रीजन। अब ये वाला अनबाउंडेड रीजन होगा तो अनबाउंडेड रीजन का मतलब ए बी, और बाउंडेड रीजन का मतलब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बी टू डी, बी टू डी इज बाउंडेड रीजन और ए बी इज अ अनबाउंडेड रीजन, ठीक है। अब देखो अनबाउंडेड रीजन में फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई एंड फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई एंड फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई, इससे ज्यादा फोर्स होता है। तो यहां पर आपका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स आपका ज्यादा एक्ट करेगा एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर होगा। अब जिस सर्टेन डिस्टेंस पे आपका मैक्सिमम एनर्जी होगा उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, दिस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बॉन्ड लेंथ। इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों,
बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, बात को ध्यान से समझना, बॉन्ड लेंथ मतलब एसी, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी मतलब ये होगा कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी कम हो सकती है, मिनिमा पाथ, मिनिमा आपने पढ़ा होगा, मैक्सिमा मिनिमा। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा जेई एडवांस वाला, एडवांस के लिए मैं बता रहा हूं, ये पैराबोलिक इक्वेशन, ये पैराबोलिक कर्व का कुछ इक्वेशन देगा, और आपने बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा मैक्सिमा मिनिमा निकालना। अब आपसे पूछेगा कि वो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो आप वहां से झट से मिनिमा निकाल दो, तो आपका फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चन इस लेवल का भी, हम क्वेश्चन करेंगे जेई एडवांस के सेगमेंट में, लेकिन अभी स्टार्ट में आप लोग इसको समझो। ठीक है, तो यहां पर आपके थ्री टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं, किस तरीके से फोर्स आपका अट्रैक्ट होगा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपका होगा अनबाउंडेड रीजन और ये आपका होगा बाउंडेड रीजन। ठीक है, और यहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग में बच्चों क्या होता है एक्चुअली में, ध्यान से समझना, यहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग, यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज सो वेरिएबल, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी इन कोवलेंट बॉन्ड, सो वी कैन नॉट predict या फिर we cannot assume any properties of covalent bond like ionic bond। ionic bond में जैसे हमने उसकी प्रॉपर्टी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था, वैसे यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी काफी वेरिएबल होती है, और वेरिएबल होने की वजह से हम उसको कुछ हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम उसको एक सर्टेन सर्टेन पॉइंट नहीं लगा दे सकते, या फिर सर्टेन हम उसको एज्यूम नहीं कर सकते कि मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी। जैसे मैंने वहां पर बोला था बच्चों, आयोनिक सॉलिड आपका नहीं डिजोल्व होगा, यानी आयोनिक सॉलिड आपका फ्री आयन में नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होगा, लेकिन यहाँ पर हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ कंपाउंड आपके इंसुलेटर होंगे तो कुछ कंपाउंड आपके कंडक्टर भी होंगे, तो इस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और प्रिडिक्शन नहीं करने की वजह से हम इसको कोवलेंट बॉन्डिंग को हम सबसे ज्यादा हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कोई आपके सर्टेन पॉइंट फिक्स नहीं है, तो अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों इसी की प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम कहीं इसके थ्योरी दी गई है, कहीं इसके थ्योरी दी गई है और इसके कई पॉइंट दिए गए इसके पॉइंट को समझने के लिए, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको अच्छे से समझेंगे। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।